परमेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार आदिकृष्णा, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशिफल के बारे में, आज के पंचांग के बारे में, साथ ही बात करें कुछ अपशकुनों के बारे में, और बात करेंगे कुछ खास वास्तु की टिप्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुक्ल पक्ष अश्वनी मास विक्रम संवत 2076 शरद ऋतु की द्वादशी तिथि है, जो कि शाम को 7:53 तक रहने वाली है। आज सूर्य भगवान प्रातः 6:23 तक उदेंगे और शाम को अस्त होंगे 6:05। चंद्रमा की यदि बात करते हैं तो दोपहर को 4:26 पर उदय होंगे। चंद्रमा जो है कुंभ राशि में ही आज दिन भर गोचर करेंगे। राहु काल दोपहर को 1:30 से लेकर के 3 तक का राहु काल समय रहेगा। आज कोई अभिजीत समय नहीं है। दिशा शूल की यदि बात करते हैं, आज उत्तर दिशा का दिशा शूल रहेगा, और यदि फिर भी जाना पड़े तो धनिया खा करके निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, कौन से ग्रह कहाँ किसके साथ विराजमान है। सूर्य वही मंगल के साथ में अपनी कन्या राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र बुध के साथ में तुला राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में है और राहु मिथुन राशि में ही विराजमान है। यदि हम बात करते हैं गुरु की, तो मार्गी होकर अपने मित्र वृश्चिक राशि में विराजमान है, और शनि मार्गी होकर अपने मित्र राशि के अंदर केतु के साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं। जन्मे सभी भाइयों और बहनों को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपका मूलांक जो है वो 1 आता है, और जिनका जन्म 10 तारीख को आता है, 1 तारीख को आता है, 19 तारीख को आता है, या 28 तारीख को आता है, आप सभी का मूलांक 1 ही आता है। और चूंकि आपका मूलांक भी 1 ही है, तो आप बड़े ही राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं आता है, और आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है, अतः आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति बड़ी प्रबल है, आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौंदर्य प्रेमी हैं, आप में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है, इसी वजह से आप सहज ही महफिल में छा जाते हैं। दोस्तों, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर राह आसान हो, हर राह पे खुशियां हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही पूरा जीवन हो, आप स्वस्थ रहें, सदैव भाग्य आपके साथ रहे, यही हम हर दिन न्यूज इंडिया और ग्रह नक्षत्र की ओर से प्रार्थना करते हैं। आज आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आपको आपका जन्मदिन ये तो रही आपके जन्मदिन। आइए बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, कैसा रहा आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, और क्या है आपका लक्की नंबर, और आज के दिन कौन से कपड़े, कौन से रंग के कपड़े आज आपको पहनने चाहिए, और क्या उपाय करने से आपका दिन श्रेष्ठ जाने वाला है। लीजिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आज आपका दिन बहुत ही खास रहने वाला है, और आपके जीवन में कई बदलाव होंगे। आज कई नए लोगों के साथ में आपके संपर्क बनने का योग भी बन रहा है, समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। दोस्तों के साथ आज आप कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे, और इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आज काफी फायदा होने वाला है। स्टूडेंट के लिए आज आपका दिन अच्छा रहेगा, और सेहत का पूरा ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका फिट रहने वाला है। आपका लकी नंबर रहेगा 4 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा काला रंग। उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनका जाप करें तो आपके आर्थिक लाभ आपके पास। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी परफॉर्मेंस के लिए बॉस का समर्थन प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के लोगों के बीच में भी देखा जाएगा, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस राशि के छात्रों का आज कहीं से कोई करियर से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपनी जरूरत का सभी सामान आप साथ ले जाएं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आपका लकी नंबर रहेगा 6 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा सुनहरा रंग। उपाय के तौर पे जरूरतमंदों को कपड़े दान करेंगे तो सुख और सौभाग्य आपको मिलेगा। लीजिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आज का दिन शानदार रहने वाला है, और किसी बात को लेकर के आपके मन में उत्सुकता बनी रहेगी। कुछ लोग आपको खुद से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज जो आप कहेंगे लोग उसे पूरी गंभीरता से सुनेंगे। इस राशि के जो लोग छात्र इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन्हें सफलता मिलनी तय है। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें भी लाभ मिलने के आसार हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, और खुद पर भरोसा रखेंगे तो स्वास्थ्य। आपका लकी नंबर रहेगा 8 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा गुलाबी रंग।
उपाय के तौर पे आज स्नान के बाद भी सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो सभी मनोकामना यहाँ पे पूरी होगी। लीजिए बात करते हैं कर्क राशि वाले। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। पिछले कई दिनों से आप किसी बात को लेकर काफी परेशान चल रहे हैं और अपनों की मदद से ही आपको समाधान मिलना तय है। कोई जरूरी काम आपके हाथ से निकल सकता है। बेहतर होगा कि विरोधियों से सावधान रहें। इस राशि के जो लोग स्वीट हाउस यानी कि मिठाई का काम करते हैं उन्हें आज अपने कारोबार में वृद्धि हो सकती है। बेहतर होगा कि शाम को ऑफिस से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करें। आपका लकी नंबर रहेगा 2 नंबर। लकी रंग आपका रहेगा सफेद। बाल के ऊपर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो शारीरिक रूप से आप बिल्कुल। ये बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आज आपका दिन आनंददायक रहने वाला है। उसमें से रिलेटेड अगर कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। अगर आपके मन में कोई योजना है तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है। इस राशि के छात्रों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। स्कूल में सभी टीचर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। होमवर्क का वर्कलोड आज पर कम रहेगा। आज नए वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। उस राशि से विवाहित लोग जो है वो आज पार्टनर के साथ अच्छी सी उपहार उनको दे सकते हैं। आपका लकी नंबर रहेगा 3 नंबर। लकी रंग आपका रहेगा पिंक कलर। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाएंगे तो कामयाबी जरूर आएगी। बात करते हैं कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आपको कुछ नई चीजों को सीखने की जरूरत है। जिस काम को आप नजरअंदाज करते आ रहे हैं आज उसे आप उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। ऑफिस में आप थोड़े व्यवहारिक रहने की कोशिश करें। लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि के जो लोग वकील हैं उन्हें भी आप किसी केस में जीत की पूरी पूरी मिल जाएगी। आज आपको काफी धन के लाभ होने के योग है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपका लकी नंबर रहेगा 6 नंबर। लकी रंग रहेगा गहरा हरा। उपाय के तो अब तक हमने बात की शुरू की 6 राशियों के बारे में। अब बात करते हैं बाकी की 6 राशियों के बारे में। उससे पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे कुछ अपशकुनों के बारे में। दरअसल अपशकुन क्या होता है? कुछ लक्षणों को देख करके व्यक्ति के मन में एक आशंका उत्पन्न होती है कि उसका कार्य पूर्ण नहीं होगा। और कार्य की अपूर्णता को दर्शाने वाले ही कुछ ऐसे लक्षणों को हम अपशकुन मान लेते हैं। जैसे झाड़ू का अपशकुन की अगर बात करते हैं तो नए घर में पुराने झाड़ू लेकर के जाना अपशकुन होता है, अशुभ होता है। उल्टा झाड़ू रख करके भी अपशकुन माना जाता है, इसे उल्टी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अंधेरा होने के बाद में घर में झाड़ू लगाना भी अपशकुन ही माना जाता है। इससे घर के अंदर दरिद्रता आती है। झाड़ू पैर पे रखना अपशकुन माना जाता है। इससे अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना माना जाता है। यदि कोई छोटा बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लगे तो भी अनचाहे मेहमान का घर में आते हैं और किसी के बाहर जाते समय तुरंत झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है। यदि दूध के अपशकुन की बात करते हैं तो दूध का बिखर जाना अपशकुन माना जाता है। बच्चों का दूध पीते ही घर से बाहर जाना अपशकुन माना जाता है। स्वप्न में यदि दूध दिखाई देता है तो अशुभ माना जाता है। स्वप्न में स्त्री यदि संतान उत्पन्न होती है तो पशुओं को भी अपशकुन माना जाता है। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और उसमें चौके के अंदर कोई विघ्न कर दे रहा है और किसी कार्य पर जाते समय घर की बाहर कोई कुत्ता शरीर खुजाता हुआ दिखाई दे तो कार्य के अंदर असफलता के योग होते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। यदि आप पालतू कुत्ता आपके घर के भीतर बार बार भौंकता है, घर के भीतर की तरफ बार बार भौंकता है तो एक अनहोनी घटना होने के योग होते हैं या वाहन से आपकी दुर्घटना होने के योग होते हैं। यदि कीचड़ से सनावर कानों को फड़फड़ाने का संकेत अगर मिलता है, जानवर जैसा करते हैं तो, और या फिर आपस में कुछ ऐसा दिखाई दे तो भी संकट उत्पन्न होता है। यदि वह कुत्ते आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो भी व्यक्ति को किसी से झगड़ा होने की जोखिम होती है। शाम के समय में एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर के क्रंदन करें चिल्लाते हैं तो उस नगर या गाँव के अंदर भयंकर संकट उत्पन्न होता है। कुत्ता मकान की दीवार को खोदे तो चोरी भय होने का खतरा रहता है। यदि कुत्ता घर के व्यक्ति से लिपटे और किसी अकारणी भौंके तो बंधन का भय उत्पन्न होता है। चारपाई के ऊपर चढ़कर के अकारण भौंके तो चारपाई के स्वामी को बाधाओं और संकटों का सामना करना पड़ता है। कुत्ते को यदि जलती हुई लकड़ी रखकर लेकर के सामने आ जाए तो मृत्यु का भय या फिर अचानक कष्ट का सूचक रहता है। दोस्तों ये अपशकुन के कुछ ऐसे संकेत हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों ये तो रही अपशकुनों की बातें, लीजिए अब हम बात करते हैं बाकी विषय के बारे में। सबसे पहले लेते हैं तुला राशि। आज तनाव की वजह से आप परेशान हैं, बेहतर होगा कि दोस्तों के साथ खुशी के पल बिताएं, वरना आपको परेशानी धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। आज आप जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए आज आपके मन में कुछ नए आइडियाज आएंगे, जिसकी जांच परख आप उसको कर लेंगे तो आज आपका दिन बहुत ठीक जाएगा। आज का दिन खुशनुमा बनाने के लिए झंझटों से बचें, आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुरा करते हुए दरकिनार कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आपका लकी नंबर रहेगा 11 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा गोल्डन रंग। उपाय के तौर पर आज मंदिर के बाहर जरूरतमंदों को कपड़ा दान करेंगे तो मानसिक सुख प्राप्त होगा। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आज का दिन कई नई सौगात आपके लिए लेकर के आए। आज अच्छा स्वास्थ्य आपको कुछ कठिन काम को करने की क्षमता प्रदान करेगा। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। इस राशि के जो फाइन आर्ट से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको आज अधिक धन लाभ मिलने की योग है। किसी करीबी मित्र से भी उनकी आर्थिक लाभ मिलने की उनसे उनको मदद मिल सकती है। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा और परिवार में आज आप तालमेल बनाकर जा सकते हैं। संतान की ओर से खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। आपका लकी नंबर रहेगा 6 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा लाल रंग। उपाय के तौर पे आज अपना फेवरेट पेन अपने साथ में रखें, संगीत सुने तो सब कुछ अनुकूल रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें किसी करीबी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज पारिवारिक क्लेश के कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। आपकी दखलंदाजी से चल रहा मन मुटाव कम या खत्म हो सकता है। साथ ही आपको काफी धन लाभ होने वाला है और पेट की दर्द से भी आपको समस्या मिल सकती है, उसे तकलीफ आ सकती है। बेहतर होगा कि आज कोई तली बूटी चीजों को खाने के लिए अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका लकी नंबर रहेगा 9 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा हल्का हरा रंग। उपाय के तौर पर गाय को हरी घास खिलाएं, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है और ऑफिस के अंदर आप अपने अधिकारियों के निकट रहेंगे। साथ ही सहकर्मियों से बिना किसी सहयोग से आप काम करेंगे। व्यवसाय को लेकर के थोड़ी भागदौड़ बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनने वाली है। संपत्ति से जुड़े कार्य आज पूरे होने के योग हैं, वरना आप काम को पेंडिंग जा सकते हैं, इसलिए आज संपत्ति से जुड़े काम को आज पूरा करने के लिए। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं उन्हें आज विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। साथ ही आज उनके रिश्तों में कई मजबूती आएगी और शारीरिक दृष्टि से सेहत आज आपकी फिट रहेगी। आपका लकी नंबर रहेगा 3 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा नीला रंग। उपाय के तौर पे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे तो मनोकामना पूरी होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन। आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आपसे मिलने वाले लोग आपसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज आप जिस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में आज इनकम बढ़ाने के चांस बढ़ रहे हैं। बड़े भाई से चल रहा विवाद अपने की मदद से आज खत्म होने के योग है। आज वाहन चलाते समय सतर्क रहें। स्वास्थ्य में आज थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। अच्छा खान पान आपको फिट रखने में मदद करेगा। आपका लकी नंबर रहेगा 9 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा नीला रंग। उपाय के तौर पर गुरु के पैर छूकर के आशीर्वाद लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। लीजिए अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका दिन। आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आज आपको काम काज की बात को लेकर के गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दूसरों की सलाह पर ध्यान दें और शेयर मार्केट में पैसा लगाना फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो है आज आपको कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी जरूरी काम से आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और शारीरिक दृष्टि से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपका लकी नंबर रहेगा 12 नंबर, लकी रंग आपका रहेगा ऑरेंज कलर। उपाय के तौर पे ब्राह्मण को खीर खिलाएंगे, सुख और सौभाग्य आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात की शुरू की अब तक की सारी 12 राशियों के बारे में। अब हम अंत में बात करते हैं वास्तु जुड़ी कुछ खास। दोस्तों वास्तु का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि घर से नहीं बल्कि मनुष्य की संपूर्ण जीवन शैली से होता है। कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, इन सभी चीजों का हमको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।
यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसको परेशानी का समाधान भी हम वास्तु और ज्योतिष के संयोग से ही जान सकते हैं। इसमें वही वाला ले लो क्योंकि ये पिछली बार लिया है। तो दोस्तों अब तक हमने बात की अब तक की 12 राशियों के बारे में, अब हम बात करते हैं वास्तु से कुछ खास टिप्स के बारे में। दोस्तों वास्तु जो केवल घर से ही नहीं बल्कि मनुष्य की संपूर्ण जीवन शैली से प्रभावित होता है। जैसे में कैसे रहना चाहिए, किस दिशा में बैठकर सोना चाहिए, किस दिशा में बैठकर खाना खाना चाहिए इत्यादि बहुत सारी प्रश्नों के जो उत्तर है हमको ज्योतिष और वास्तु के संयोग से मिल जाते हैं। दोस्तों यदि सप्तमेश छठे भाव में जाकर बैठता है और पश्चिम दिशा में है तो अष्टमेश पंचम में हो तो नैऋत्य कोण के अंदर और दशमेश यदि छठे भाव में हो तो यह दोष क्रिएट करता है। ग्रहण योग यानी कि राहु केतु की जो स्थिति है वो इस दिशा से संबंध स्थापित करती है तो दोष पैदा करेगी। इसी प्रकार से लग्नेश और लग्न को नीच राशि का पीड़ित होने पर पूर्व दिशा में हमारा दोष उसका बनता है। अग्नि दिशा की बात करते हैं तो उसमें किसी भी पाप ग्रह षष्ठेश या अष्टमेश होने से ईशान कोण में दोष बनता है। लग्नेश का पंचम में होना वायु कोण के अंदर दोष पैदा करता है। यदि कोई भावेश पंचम में या छठे भाव में है वायु कोण के अंदर है तो भी उस भाव से संबंधित स्थान के अंदर महादोष पैदा करता है। ग्रह की प्रकृति और उसके मित्र शत्रु राशि और उनके अंशात्मक शुद्धि के विश्लेषण से जातक अपने इन सभी चीजों का निवारण कर सकता है। यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी स्थिति को सुधारे और उस दोष को दूर करने के लिए आप धनिया साबुत धनिया जो वो आप लेकर के किसी कपड़े बांध करके रसोई घर में किसी भी भाग में अगर टांग देंगे तो आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। दोस्तों ये तो जुड़ी हुई थी वास्तु से कुछ खास टिप्स के बारे में। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।